हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है ब्लड ग्रुप्स, और इसके अंडर हम लोग एबीओ ग्रुपिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो एबीओ ग्रुपिंग होता है वो किस पर बेस्ड होता है। सबसे पहली चीज़ हमें जानने की ये है कि एबीओ ग्रुपिंग बेस्ड होता है ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सर्फेस एंटीजेंस। आरबीसी के सरफेस पर दो एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे, नेमली ए एंड बी। अब ये क्या है? ऐसे केमिकल्स जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अलग अलग इंडिविजुअल्स में जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में हम कह रहे हैं कि दो नेचुरल एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। ये एंटीबॉडीज क्या है? ऐसे प्रोटीन्स जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं इन रिस्पॉन्स टू एंटीजेंस। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक चीज और बात को क्लियर कर लें कि कभी भी आपने सुना होगा या देखा होगा, देखने का मौका मिला हो कि किसी को ब्लड डोनेट करना है। क्यों? क्योंकि किसी को ब्लड की जरूरत है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है इन एनी सर्कमस्टेंस। तो क्या कोई भी टाइप का ब्लड हम दे सकते हैं उस पर्टिकुलर पेशेंट को? नहीं, हम नहीं दे सकते। जो डोनर का ब्लड है उसको केयरफुली क्या कराना होगा? सबसे पहले मैच कराना होगा रिसिपिएंट के ब्लड टाइप से, तब जाकर ही हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस को आगे कर सकते हैं। अगर मिसमैच हो जाए ब्लड में डोनर और जो ब्लड रिसीव करने वाले पेशेंट है उसके बीच में, तो क्या हो सकता है? सीवियर प्रॉब्लम्स हो सकता है, क्लम्पिंग का, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो सकता है, और ये बहुत ही ज़्यादा फेटल साबित हो सकता है उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चार तरह के ब्लड ग्रुप पॉसिबल हैं, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी इन फोर ग्रुप्स में, ए बी ए बी और ओ टाइप के ब्लड में कैसे हो सकता है, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो हमारे पास चार ब्लड ग्रुप है, ए बी ए बी एंड ओ। अब एंटीजन जो इनके बिहाफ में या इनके लिए जो एंटीजन हमारे आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट होगा वो क्या क्या हो सकता है? अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें हमारा एंटीजन होगा ए, अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन होगा बी, अगर ए बी है तो एंटीजन होगा ए बी, और अगर ओ है तो इसमें हमारा एंटीजन हम बोलेंगे निल, हमारा एंटीजन निल है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एंटीबॉडीज जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा। तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? एंटी बी, इसको हम एंटी बी कह रहे हैं। फिर अगर ब्लड ग्रुप बी है, एंटीजन इसमें बी है, तो हमारा एंटीबॉडी क्या होगा? एंटी ए। उसके बाद जब ब्लड ग्रुप ए बी की हम बात करते हैं जिसमें एंटीजेंस प्रेजेंट है ए एंड बी, तो इसमें एंटीबॉडी हम क्या कहेंगे कि इसमें निल है। और अगर ब्लड ग्रुप ओ की बात करते हैं तो यहाँ पर बोथ एंटी ए एंड बी, ये दोनों होगा। तो डोनर के ब्लड ग्रुप में अब हम लोग क्या देखते हैं? यहाँ पर दोनों हो सकता है, ए एंड ओ। जो डोनर है वो क्या दे सकता है? बोथ ए, और वो रिसीव कर सकता है ए से और ओ से। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पर बी एंड ओ, देने वाला बी दे सकता है और जो लेने वाला है, रिसीव करने वाला है, वो या तो बी ब्लड ग्रुप वाले से ले सकता है या ओ ब्लड ग्रुप वाले से ले सकता है। अब जब हम ए बी ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ पर चारों आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है इन प्लाज्मा वो निल है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो वो किसी भी टाइप के ब्लड ग्रुप को हम नहीं करेगा। यानी कि यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? ऑल फोर टाइप्स कैन बी रिसीव्ड। और जब हम ब्लड ग्रुप ओ की बात करते हैं तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एंटीबॉडी ए और बी दोनों प्रेजेंट होता है, इसलिए किसी से भी नहीं ले सकता, सिर्फ ये किससे ले सकता है? ऐसे डोनर से जिसमें ब्लड ग्रुप ओ ही होना चाहिए। यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात जानने की ये है कि जो ब्लड ग्रुप ओ होता है ये
डोनेट किया जा सकता है किसी भी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को, इसीलिए ब्लड ग्रुप ओ को कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर्स। और जिस इंडिविजुअल में ब्लड ग्रुप ए बी होता है, इस तरह के इंडिविजुअल्स को हम कह सकते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्यों कह सकते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट? क्योंकि इसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा और ये किसी भी टाइप का ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है। अब आगे ब्लड ग्रुप या एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के साथ हम पढ़ेंगे आरएच ग्रुपिंग के बारे में भी। आरएच ग्रुपिंग, इसके बारे में जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या है, हम लोग सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो आरएच हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये एक और एंटीजन है जिसको हम बोल सकते हैं आरएच एंटीजन। ये सबसे पहले रेसस मंकी में ऑब्जर्व किया गया था और हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द परसेंटेज, मतलब 80% ह्यूमंस के आरबीसी के सरफेस पर ये आरएच एंटीजन ऑब्जर्व किया जाता है। और जिन इंडिविजुअल्स में ये आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है, उनको आरएच पॉजिटिव से संबोधित किया जाता है, उनको कंसिडर किया जाएगा। और जिसमें ये आरएच एंटीजन एब्सेंट होगा, उनको हम क्या कहेंगे, आरएच नेगेटिव। अब अगर एक ऐसा सिचुएशन हो कि जो आरएच नेगेटिव पर्सन है उसको एक्सपोज किया जाए आरएच पॉजिटिव ब्लड के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा, एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी का जनरेशन होगा अगेंस्ट द आरएच एंटीजेंस। इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले ये पता करना भी बहुत जरूरी है कि जिस डोनर से हम ब्लड ले रहे हैं उसमें ये आरएच एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है, वो आरएच पॉजिटिव है या आरएच नेगेटिव है। ये आरएच एंटीजन की कंपैटिबिलिटी भी बहुत मायने रखती है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं आरएच इनकम्पैटिबिलिटी का या आरएच मिसमैचिंग का, जो कि ऑब्जर्व किया गया है बिटवीन आरएच नेगेटिव ब्लड ऑफ अ प्रेग्नेंट मदर और आरएच पॉजिटिव ब्लड ऑफ फीटस। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो मदर है उसका ब्लड आरएच नेगेटिव है और जो फीटस है, जो बेबी है, उसका ब्लड क्या है, आरएच पॉजिटिव है। तो ये जो आरएच एंटीजन है फीटस का, ये मदर के आरएच नेगेटिव ब्लड के साथ क्या नहीं होता है, एक्सपोज नहीं होता है पहली प्रेगनेंसी में। क्यों? क्योंकि जो दोनों बॉडी के ब्लड्स हैं वो सेपरेट किए जाते हैं बाय प्लासेंटा। लेकिन डिलीवरी के समय क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, चांसेस हो सकता है कि एक्सपोजर हो जाए ब्लड का, नेगेटिव फ्रॉम मदर पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम फीटस, इसका एक्सपोजर हो जाए। अब इस केस में क्या होगा कि जो मदर की बॉडी है वो क्या करेगी, एंटीबॉडी प्रिपेयर करना शुरू करेगी अपने बॉडी में अगेंस्ट द आरएच एंटीजन जो कि उसके ब्लड में आ गया बेबी के ब्लड से। अब यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर सेकेंड प्रेगनेंसी हुई तो जो आरएच एंटीबॉडी मदर के ब्लड में अब प्रेजेंट है, क्योंकि बॉडी क्या बना चुका है, एंटीबॉडी जनरेट कर चुका है अगेंस्ट आरएच पॉजिटिव ब्लड ऑफ द प्रीवियस फीटस। तो अब सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या हो सकता है कि जो मदर का ब्लड है वो सीप इन कर सकता है, लीक इन कर सकता है इनटू द ब्लड ऑफ सेकेंड फीटस। और यहाँ पे अगर फिर से जो सेकेंड बेबी है अगर वो आरएच पॉजिटिव हुआ, तो इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो एंटीबॉडी अब आरएच पॉजिटिव फीटस के बॉडी में चला गया, वो अब उस फीटस के बॉडी में क्या कर सकता है, बहुत ज्यादा हार्म कर सकता है, वो फीटल आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। या तो ये फेटल हो सकता है उस फीटस के लिए, या तो सीवियर अनीमिया या जॉन्डिस कॉज कर सकता है टू द बेबी। और जब ये कंडीशन पैदा होता है तो इस कंडीशन को हम लोग क्या टर्म बोल सकते हैं, एराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। अब इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे अवॉइड कर सकते हैं, एक एंटी आरएच एंटीबॉडी एडमिनिस्टर किया जा सकता है टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड।
पहले बेबी की डिलीवरी होने के तुरंत बाद हम मदर को क्या इंजेक्ट कर दे रहे हैं, एक एंटी आरएच एंटीबॉडी इंजेक्ट कर दे रहे हैं, ताकि क्या हो सके, एंटीबॉडी अगेंस्ट फीटल आरएच ना बन पाए मदर के बॉडी में। अब हम लोग बात करते हैं कोआगुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में। हम में से बहुतों ने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है, कभी किसी भी वजह से अगर हम गिर गए, अगर हम कुछ काट रहे हैं तो हमारी फिंगर कट गई, चोट लग गया, स्क्रैच पड़ गया, तो बेसिकली हम एक वूंड की बात कर रहे हैं जो किसी ना किसी एक्सीडेंट के वजह से हमें बहुत बार हुआ है। तो उस पर्टिकुलर वूंड से हम क्या देखते हैं कि ब्लड आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार कट हो गया तो हमेशा के लिए ब्लड उसमें से फ्लो कर रहा है। एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या होता है, वो ब्लीडिंग रुक जाती है ये ब्लीडिंग, और हम लोग उसको क्या कहते हैं कि अब यहाँ पे ब्लड क्लॉट हो गया है, और इस क्लॉट के वजह से फर्दर ब्लीडिंग क्या हो गई, रिस्पॉन्स हो रुक गई। तो ये जो ब्लड का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये एग्जिबिट कर रहा है कोगुलेशन या एग्जिबिट कर रहा है क्लॉटिंग, तो ये किसके रिस्पॉन्स में कर रहा है, किसी इंजरी के रिस्पॉन्स में कर रहा है या किसी ट्रॉमा के रिस्पॉन्स में कर रहा है। और ये एक मैकेनिज्म है जो कि प्रिवेंट करता है एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अगर क्लॉटिंग ना हो तो क्या होगा, एक्सेसिव लॉस होता रहेगा बॉडी से, और अगर बहुत मात्रा में ब्लड अगर हमारे बॉडी से निकल जाए तो ये हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है ना। तो हम सब ने ये भी ऑब्जर्व किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि जब ब्लीडिंग रुक जाती है तो जो साइट है जहाँ पे हमें चोट लगी है, जहाँ पे इंजरी हुई है, वहाँ पे एक डार्क रेडिश ब्राउन कलर का स्कम फॉर्म करता है। तो ये क्या है एक्चुअली में, ये हम बोल सकते हैं कि क्लॉट है या कोआगुलम है जो कि फॉर्म हुआ है वहाँ पे। बेसिकली इसमें क्या प्रेजेंट होता है, नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स जिसको हम फाइब्रिन्स कह रहे हैं। अब इन फाइब्रिन्स में क्या है, इन फाइब्रिन्स में सारे डेड और डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो कि ब्लड में प्रेजेंट है वो ट्रैप हो जाते हैं। अगर हम इन फाइब्रिन्स की बात करें तो ये फाइब्रिन्स कैसे बनते हैं, ये बनते हैं बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस, जो प्लाज्मा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है थ्रोम्बिन, और ये थ्रोम्बिन क्या करता है कि जो इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस है उसको फाइब्रिन्स में कन्वर्ट करने में मदद करता है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात जानने में ये भी है कि जो थ्रोम्बिन्स जिस एंजाइम की हम बात कर रहे हैं ये खुद एक इनएक्टिव सब्सटेंस से बनता है जिसको हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन, जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम एक रिएक्शन देख रहे हैं, क्या रिएक्शन देख रहे हैं, एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है थ्रोम्बोकाइनेस, जो कि इस अबव रिएक्शन को पूरा करने में मदद करता है। बोलने का मतलब क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स बनता है बाय अ सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमिक रिएक्शन, एक कैस्केड प्रोसेस चालू होता है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। अब सपोज कर लें कि अगर किसी को इंजरी हुई है या ट्रॉमा हुआ है, तो ये इंजरी और ट्रॉमा इनिशिएट करेगा या स्टिम्युलेट करेगा प्लेटलेट्स को जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, और ये रिलीज करेंगे इन फैक्टर्स को जो कि एक्टिवेट कर देते हैं कोआगुलेशन के प्रोसेस को। तो जैसा कि हमने क्या कहा कि थ्रोम्बोकाइनेज है, ये सबसे पहले क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा जो कि ऑलरेडी इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। अब ये प्रोथ्रोम्बिन जो एक्टिवेटेड फॉर्म में हो गया, ये इस थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा जो कि बेसिकली इनएक्टिव फॉर्म में है। अब ये एक बार एक्टिवेटेड हो गया तो फिर ये क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को मदद करेगा कि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, फाइब्रिन्स में कन्वर्ट हो जाए। तो एक कैस्केड प्रोसेस है, एक चेन रिएक्शन हम बोल सकते हैं। कब ये होगा, जब कोई इंजरी होगी या कोई ट्रॉमा होगा तभी ये प्रोसेस इनिशिएट होता है। ब्लड कोआगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम आयन का भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं लिम्फ के बारे में।
जिसको टिश्यू फ्लूइड भी कहा गया है। इसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कुछ इस तरह से कि जैसे ब्लड पास करता है थ्रू द कैपिलरीज, मतलब हम टिश्यूज में बात कर रहे हैं, टिश्यूज में जब ब्लड पास होता है तो वो पास होता है थ्रू द कैपिलरीज। तो कैपिलरीज में बेसिकली क्या प्रेजेंट है? ब्लड, प्लाज्मा, वाटर, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। तो इनमें से कुछ वाटर और इसके साथ साथ बहुत सारे स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस ये क्या करते हैं, मूव आउट कर जाते हैं इनटू द स्पेसेस, और ये किसके बीच में है, बिटवीन द सेल्स ऑफ टिश्यूज। तो इसके बीच में ये पानी के साथ साथ जितने भी स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं ये सारे बाहर आ जाते हैं, और जितने भी लार्जर प्रोटीन्स हैं ये सारे कहाँ रह जाते हैं, विथ फॉर्म्ड एलिमेंट्स या ब्लड वेसल्स में रह जाते हैं। तो ये जो फ्लूइड रिलीज आउट हुआ है इसे हम क्या कह रहे हैं, इंटरस्टीशियल फ्लूइड, या इसी को हम कह रहे हैं टिश्यू फ्लूइड। अब अगर इस टिश्यू फ्लूइड की हम बात करें तो इसमें सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, और मेनली जितना भी एक्सचेंज होगा ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एट्सेट्रा बिटवीन ब्लड एंड द सेल, ये हमेशा इसी फ्लूइड के थ्रू से होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं आगे कि एक इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल होता है जिसको हम लिम्फैटिक सिस्टम कहते हैं। ये ही लिम्फैटिक सिस्टम फिर क्या करेगा, इस फ्लूइड को कलेक्ट करेगा और इसको फिर ड्रेन बैक कर देगा इनटू मेजर वेन्स। अब ये जो फ्लूइड है जो कि लिम्फैटिक सिस्टम में अब प्रेजेंट है, इसे ही हम क्या कह रहे हैं, लिम्फ कह रहे हैं। और लिम्फ बेसिकली क्या होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है। इसमें स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पर हम लास्ट क्या देखते हैं कि लिम्फ में इम्पॉर्टेंट कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं फॉर न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स एट्सेट्रा। और हमारे इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइनल विलाई होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं लेक्टियल्स, और ये जो फैट्स हम लोग बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स वाले जो फैट्स होते हैं ये अब्सॉर्ब होते हैं थ्रू लिम्फ जो कि प्रेजेंट होते हैं इन लेक्टियल्स, और ये लेक्टियल्स जैसे मैंने कहा कहाँ प्रेजेंट है, इंटेस्टाइनल विलाई में प्रेजेंट है। तो ये थी पूरी कहानी लिम्फ के बारे में।